अर्की में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ राज्य सचिव निर्मल राज गौड़ की अध्यक्षता में एक मांग एक विकल्प पुरानी पेंशन हमारा संकल्प को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्मल राज गौड़ ने ओपीएस के तहत या एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों से प्रेस वार्ता के द्वारा आग्रह किया कि आने वाले 13 अगस्त को शिमला में पेंशन अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवाएं। वहीं एनपीएस कर्मचारी संघ अर्की के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि जो शिमला में आक्रोश रैली है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को मान ले ताकि हम लोग इस रैली को धन्यवाद रैली बना सके। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनपीएस लालचंद का कहना है कि नई पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये स्कीम कर्मचारी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि एक कर्मचारी को 1500 या 1600 की राशि मिल रही है जो 32 से 35 साल तक सरकारी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने सभी सहयोगी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेंशन अधिकार रैली में आए ताकि सरकार को जगा सके। ब्लॉक के समस्त कर्मचारी बंधुओं से कि वो 13 तारीख की जो एक हमारी रैली है, जिसको हम आक्रोश रैली ना बोल के अब धन्यवाद रैली के रूप में मनाना चाहते हैं, उसमें घर से निकलें और हमारे जो राज्य कार्यकारिणी बहुत अच्छा काम, उनका साथ सहयोग दें, धन्यवाद। 13 तारीख को महारैली शिमला में होने जा रही है पेंशन विहीन साथियों की, उस संदर्भ में थी। और इस हमारे जो उस रैली में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग जो है वहां पे भाग लेंगे, और मैं आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से सभी अर्की क्षेत्र के कर्मचारियों से, लोगों से अपील करता हूं कि वो अपना सहयोग दें और 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंच के हमारी जो ये मुहिम है इसको सफल बनाएं। सरकार जो अभी हमें किसी प्रकार की जो अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच पाई है, तो ये संभव हो पाएगा 13 तारीख को कि हम सरकार के साथ वार्ता जो है वो अंतिम छोर में निकल आएगी और हमें एनपीएस के बजाय ओपीएस जो है सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। क्योंकि मैं एनपीएस का विरोध करता हूं एक कर्मचारी के नाते, क्योंकि ये जो योजना है बहुत ही जो सरकार द्वारा लाई गई योजना है बहुत ही गंदी योजना है, जिसको हम कहेंगे कि कर्मचारी के हित में नहीं है। 1500 से 1600 रुपये तक का जो अनुदान या राशि जो है एक कर्मचारी को मिल रही है, जिसने अपने 32 से 35 वर्ष तक सेवा करनी है सरकारी क्षेत्र में, और अंत में सरकार द्वारा जो है कर्मचारियों को बिना किसी सहयोग के छोड़ दिया जाता है। और वही समय होता है कर्मचारी का है जब उसने अपने परिवार को पालना पोषना होता है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सभी कर्मचारी भाइयों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस रैली को सफल बना।